गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। मैं हूं काजल राठौर, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है स्ट्रेच मार्क्स को कैसे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं। स्ट्रेच मार्क्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे किसी सबसे पहला रीजन तो होता है ये जेनेटिक भी हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण, हार्मोन्स के कारण भी कुछ लोगों को होता है, महिलाओं में प्रेगनेंसी के कारण होता है स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं उन लोगों को, और मोस्टली सभी को होता है। और फिर एक रीज़न ये भी है, किसी किसी कुछ कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है और बाद में वो वेट को कम करते हैं, उस वजह से लूज़ वेट, अगर आप वेट कम कर रहे हैं उसके बाद भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है फिर धीरे से उसे कम करते हैं तो भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, और कुछ चीज़ें तो जेनेटिक भी हो सकती है, किसी को है तो बाद में उनके परिवार में है तो होती आ रही है, ये भी हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं इनके, तो इन्हें हम कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, अब जैसे महिलाओं को प्रेगनेंसी के कारण उनके टमी एरिया पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप प्रेगनेंसी आपकी चल रही हो आप मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को, उससे वहाँ पर रब नहीं करना है। जब भी आपका टाइम बढ़ रहा है तो आपको वहाँ पर ईचिंग होगी, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। मैं भी माँ हूँ और मेरे साथ भी चीज़ें हुई हैं, तो मैं उसे रब नहीं करती थी, इचिंग होती थी पर रब नहीं करना है आपको, और उसके बाद में आपको मॉइस्चराइज करके रखना है आपकी स्किन को। थोड़ा बहुत स्ट्रेच मार्क्स सारे सोके बट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा इचिंग कर लेते हैं, तो उसके कारण वो पूरे स्ट्रेच मार्क्स आपको फिर लाइफ टाइम के लिए मिल जाते हैं एज ए गिफ्ट में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये आपको नहीं करना है, आपको इचिंग नहीं करना है, या तो आप कोई कपड़े से धीरे धीरे उसे मसाज कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे ऐसे करोगे तो भी इचिंग चली जाएगी। और सेकेंड चीज़ है आपको मॉइस्चराइज करके रखना है, जब भी हम नहा कर आ रहे हैं आपको वहाँ पर मॉइस्चराइज करना है। और एक तरफ दूसरे लोग हैं जो जेंट्स लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और बहुत सारे कोई भी हो सकता है, गर्ल बॉय कोई भी हो सकता है, तो वो जहाँ भी उनको स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पर आप मॉइस्चराइज करके रखें अपनी स्किन को। कोई भी मॉइस्चराइजर, आप बॉडी मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइज करने के लिए। फिर अगली चीज है, विटामिन्स की कमी नहीं होनी चाहिए, कोई भी विटामिन सी विटामिन डी, आपको इन चीज़ों की अगर कमी हो रही है आपको इनका इंटेक लेना है, क्योंकि स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स आना इसका भी एक रीज़न हो सकता है। तो आपको जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसमें विटामिन्स का ध्यान रखें, विटामिन डी आप ले उसका मतलब इंटेक ले जिसमें चीज़ें हो, तो ये आप कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ है मैनेज योर वेट, आपको क्या करना है, आपके वेट को मैनेज करना है, मींस आपका जितना वेट है आप उसे ना बढ़ने दे, मतलब आपको एक बैलेंस्ड वेट आपको मेंटेन करके रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो या तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर आप उसको कम करेंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क आपकी बॉडी पर डेफिनेटली आएंगे। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है, आपको अपने जो वेट है उसको बैलेंस करके रखना है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है। फिर जो हमारी अगली चीज़ है इसी पर हम बात करने वाले, बैलेंस्ड योर डाइट, आपको जो डाइट आप ले रहे हो जो आप खा रहे हो उसका आपको बहुत ध्यान रख के खाना है। आप ऐसा नहीं कुछ भी खा रहे हो, तो बैलेंस्ड डाइट को बैलेंस करके रखें, जो आप खा रहे हो अच्छा खाना खा रहे हो तो ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं, अपनी डाइट को बैलेंस करके रखें, वेट को बैलेंस करके रखें। फिर अगली चीज़ है एक्सरसाइज रेगुलरली, मतलब आपको एक्सरसाइज रोज करनी है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखना है, और आपको आपके वेट को मेंटेन करके रखोगे, आपकी बॉडी को फिट रखोगे, एक्सरसाइज रोज करोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही हेल्दी हो जाएगी और अच्छी लगने लगेगी, ना आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आएंगे, ना वेट हमारा बढ़ेगा, अगर वेट बढ़ेगा नहीं तो स्ट्रेच मार्क्स आएंगे नहीं, आपके हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे, खाओगे अच्छा तो बॉडी भी हेल्दी रहेगी, हार्मोन्स बैलेंस्ड रहेंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है एक्सरसाइज से चली जाती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगली चीज़ है आपको सनस्क्रीन भी लगाना है, अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी आप थोड़ा सा सनस्क्रीन लगा सकते हैं, मॉइस्चराइज तो आपको करना ही है, लेकिन हाँ अगर जैसे
टमी एरिया पे स्ट्रेच मार्क्स है या फिर यहाँ है तो आप मॉइस्चराइज ओनली बॉडी मॉइस्चराइज कर सकते हैं, लेकिन कहीं और है आपको जो तो बाहर आप जा रहे हैं तो वो सन के एक्सपोजर में अगर आते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना है और उसको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, आपको अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके ये जो स्ट्रेच मार्क्स वगैरह है ये चले जाएंगे। जैसे क्या होता है कि कुछ स्ट्रेच मार्क्स पहले के होते हैं, बहुत पुराने होते हैं तो वो वाइट दिखने लगते हैं, और जो नए होते हैं वो थोड़े रेड दिखते हैं। तो पुराने वाले का तो अब उसका कुछ हो नहीं सकता, या तो आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर कोई आपको कोई मतलब अभी अभी कोई स्ट्रेच मार्क्स आए हैं तो आप इन चीज़ों के लिए आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। फिर भी आपको जो भी हो आपको फिर भी ये चीज़ें फॉलो करना है ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए आपके साथ। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।